Hey guys, welcome or welcome back to my channel. So guys, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक रिव्यू एक प्रोडक्ट का जो कि है गाइज ये गुड वाइब्स का विटामिन सी एंड B3 सीरम. सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो हेल्पफुल रहते हैं देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो. सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो गाइज, गुड वाइब्स के सीरम बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, हमने बहुत ही सुना हुआ है. एंड मैं रोजिप का सीरम यूज करती हूँ, वो तो मेरा फेवरेट है. लाइक बहुत टाइम से मैं यूज कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि इसको भी ट्राई करते हैं आप लोग के साथ रिव्यू शेयर करते हैं. सो गाइज, कुछ इस टाइप की इसकी आउटर पैकेजिंग आपको रिसीव हो जाती है. इसमें मेंशन है गुड वाइब्स विटामिन सी एंड B3 स्किन ग्लो फेस सीरम, नो पैराबिन नो सल्फेट, पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है और मिनरल ऑयल फ्री है. गाइज, मैंने जो परचेज किया है वो है 10 ml की पैकेजिंग और इसका जो प्राइस है वो है 240 rupees. ठीक है, शेल्फ लाइफ जो है आपको मिल जाती है इसमें 3 years की. सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. आप देख सकते हो बहुत ही क्यूट सी ग्लास की पैकेजिंग आती है. इस टाइप का आपको ड्रॉपर मिल जाता है एंड यू कैन सी इस टाइप का आपको मिल जाता है. ठीक है, तो 10 ml की पैकेजिंग पे भी इसमें आपको ड्रॉपर मिलता है. बहुत सारे सीरम और ऑयल हैं जिनमें आपको 10 ml की पैकेजिंग पे ड्रॉपर नहीं मिलता है, बट इसके साथ मिलता है. तो या पैकेजिंग इसकी बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है. एंड हम बात कर लेते हैं इसके पैकेजिंग की. सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. कार्डबोर्ड पैकेजिंग आपको रिसीव होती है. इस पे सभी डिटेल मेंशन है, लाइक इसका प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, कैसे इसको यूज करना है, इंग्रीडियंट्स क्या है और क्या क्या इसके क्लेम्स हैं जिनकी हम डिटेल में भी बात करने वाले हैं. तो गाइस, बात करें हम इसके क्लेम्स की, तो इसमें मेंशन है कि इसमें विटामिन सी एंड B3 है जो कि की इंग्रेडिएंट है. उसके अलावा भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, लेकिन मेन 2 ingredient इसमें मेंशन है जो कि क्या करते हैं आपके स्किन के पिगमेंटेशन, जिनके भी पिगमेंटेड स्किन है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज पिगमेंटेशन को लाइटन अप करते हैं. ओके, और स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करते हैं, रेडिएंट स्किन देते हैं एंड ग्लोइंग स्किन बनाते हैं. तो ये सारे क्लेम्स है इसके, पिगमेंटेशन को रिमूव करना, ग्रेडियंट स्किन बनाना, स्किन को ग्लो प्रोवाइड करना, मीन्स डलनेस वगैरह को रिमूव करना. ओके, एंड गाइस इसमें मेंशन है कि आपको 2 से 3 ड्रॉप इसका सीरम का यूज करना है अपने फेस क्लीन फेस पे एंड जेंटली इसको मसाज करनी है फिंगर टिप्स की हेल्प से. अब गाइस आपको बोलूंगी जिस भी प्रोडक्ट में विटामिन सी होता है उसको आप नाइट में ही यूज करें, बिकॉज अगर आप डे में यूज करते हैं तो क्या होता है आपकी स्किन टेक्सचर जो है बहुत ही ज्यादा खराब होने लग जाता है क्योंकि सनलाइट के साथ वो रिएक्ट कर जाता है. तो हमेशा जो भी प्रोडक्ट विटामिन सी के साथ आते हैं उनको हमेशा नाइट में ही यूज करें, चाहे वो फेस मास्क हो, चाहे वो फेस स्क्रब हो, कुछ भी. ठीक है, हमेशा नाइट में यूज करोगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे. नाइट में यूज करो, नेक्स्ट मॉर्निंग आप अच्छे से अपने फेस को क्लीन करो, अच्छी सनस्क्रीन अप्लाई करो. अगर आप विटामिन सी रेटिनॉल वगैरह ये सब यूज करते हो डेली बेसिस पे, तो हमेशा याद रखो कि मॉर्निंग में उठते ही सबसे फर्स्ट काम फेस वॉश करके एक अच्छा सनस्क्रीन अप्लाई करने की जरूरत आपको है, चाहे आप घर पे रहते हो चाहे आप बाहर जाते हो, डजंट मैटर. ठीक है, नहीं तो सनलाइट के साथ थोड़ा सा भी अगर रिएक्ट करता है वो, तो आपका स्किन टेक्सचर इनहेंस होने की वजह थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, समझ रहे हो ना. तो हमेशा विटामिन सी के प्रोडक्ट्स को नाइट में यूज करो. तो इस सीरम को भी गाइज आपको नाइट में यूज करना है, एज अ नाइट क्रीम आप इसको यूज कर सकते हो, 2 से 3 ड्रॉप ही लेना है. अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ. कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आ जाता है, बहुत ही टाइनी माइनी सा है, बिकॉज 10 ml मैंने परचेज किया है, बिकॉज मैं श्योर नहीं थी इस प्रोडक्ट के बारे में कि कैसा करेगा. तो गाइज अगर मैं बात करूं उसकी यू नो कंसिस्टेंसी की, तो ये बहुत ही रनी है. यू कैन सी कितना ज्यादा रनी है, लाइक वॉटर, वॉटरी कंसिस्टेंसी है. ठीक है इसकी. एंड बात करती हूँ इसके ब्लेंडेबिलिटी की, तो अगर मैंने इसके 2-3 ड्रॉप लिए हैं यू कैन सी, और उसको फिर मैं अपने फेस पे मसाज कर रही हूँ, तो ये आप देखो मसाज हो गया ये. ठीक है, पूरे फेस पे आपके अप्लाई हो जाएगा 2-3 ड्रॉप से ही. और गाइस जैसे जैसे मैं इसको मसाज कर रही हूँ मुझे फील हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, लाइक आपके स्किन में स्मूथनेस प्रोवाइड करता है. रोजिप जितनी तो नहीं, जो रोजिप वाला सीरम आता है वो बहुत ही स्मूथ है, बहुत ज्यादा स्मूथ है, वैसा स्मूथनेस तो नहीं बट हाँ काफी स्मूथ है. फ्रेग्रेंस इसकी अच्छी नहीं है, ठीक है, बाकी स्मूथनेस प्रोवाइड करता है ये. तो आप इसको नाइट में एज अ नाइट क्रीम यूज कर सकते हो, और आप अगर आपकी स्किन ड्राई है, डल है, ऑयली है तब भी इसको यूज कर सकते हो, नॉर्मल स्किन है तब भी इसको यूज कर सकते हो. एंड अगर आपकी एजेड स्किन है, लाइक अगर आप 20+ हो तो आप इसको यूज करोगे तो आपके लिए तो बहुत ही बेस्ट वाला ये चीज रहेगा. बाकी टीनेजर्स भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन 20+ के लिए बहुत ही बेस्टली देखते हैं जो इसके की इंग्रेडिएंट्स है विटामिन सी एंड B3. तो अगर हम इनको देखते हैं तो विटामिन सी जो है, मैंने यहाँ पे सबको चीजें मेंशन की हुई है. विटामिन सी बेसिकली स्किन को ब्राइटनेस यू नो स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए होता है. अब ब्राइटनेस से मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि भैया अगर आपकी स्किन यू नो डस्की है तो फेयर हो जाएगी, ब्राइटनेस का मतलब वो कभी भी नहीं होता. फेयरनेस और ब्राइटनेस दोनों में डिफरेंस होता है. फेयरनेस मतलब होता है कि डस्की से यू नो कर देंगे, जो फेयरनेस वाले एड आते हैं फेयर लवली वगैरह के आते थे, मतलब
तो मैं ऐसा नहीं कह रही, जस्ट ब्राइटन अप मतलब क्या होता है कि हमारी ओरिजिनल स्किन टोन क्या होती है। जब बर्थ के टाइम होते हैं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी बहुत ही स्किन ना फेयर सी होती है एंड धीरे धीरे उनका स्किन टोन ना डल होते जाता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है ये तो मुझे भी नहीं पता क्यों होता है, थोड़ा सा सनटैन वगैरह की वजह से हो जाता होगा। तो उसको क्या करेगा, ये ब्राइटन अप कर देगा, जो आपका ओरिजिनल स्किन टोन है वैसे ही आपको बना देगा। तो वो कहने का मतलब है, अगर आपका थोड़ा सा मीडियम स्किन टोन के थे तब आप बर्थ के टाइम तो मीडियम हो जाएगी, ठीक है। अगर आप फेयर थे तो फेयर हो जाएगी। इसको यूज करने से कॉन्टिन्यूअसली यूज करना, ऐसे नहीं एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं, कॉन्टिन्यूअसली करोगे तो विटामिन सी का मतलब ये होता है। उसके अलावा गाइस आपके स्किन को भी टाइटन अप करता है, ठीक है। काफी स्किन हमारी लूज होने लग जाती है एज के साथ साथ, तो आपके स्किन को टाइट करता है ये, ओके। अब बात करते हैं गाइस B3 का क्या वर्क होता है। तो B3 बेसिकली क्या करता है गाइस, जिनके भी रिंकल्स होते हैं, जिनकी भी फाइन लाइंस होती है, तो उनको धीरे धीरे फेड करने का काम करता है। तो अगेन दोनों मिलके जो कॉम्बिनेशन है ये किस साइड इशारा कर रहे हैं कि एंटी एजिंग प्रोडक्ट की तरह वर्क करेंगे, मतलब 20 प्लस लोगों के लिए है, हम जैसे लोगों के लिए है ये प्रोडक्ट। और गाइस इसमें मेंशन है कि ये अगर दोनों मिल जाते हैं तो उसके बाद इनके जो क्लेम्स थे वो ये थे कि आपके स्किन टोन को इवन आउट करेंगे, डलनेस को रिमूव कर देते हैं एंड पिगमेंटेशन को भी लाइटन अप करेंगे। तो बेसिकली जो क्लेम्स है वो तीन ही है, स्किन टोन को इवन करना, पूरा सिमिलर स्किन टोन हो जाएगा। काफी बार आपका फोरहेड ब्लैक होता है, पूरा स्किन जो होता है बाकी का अच्छा कलर रहता है, फोरहेड ब्लैक हो जाता है। काफी बार चिन वगैरह हमारा ब्लैक हो जाता है, बाकी सब ठीक होता है। तो इवन कर देगा पूरा स्किन, पूरा फेस का कलर इवन लगेगा, कहने का मतलब, ठीक है। इसका मतलब, पॉइंट का मतलब ये है कि इवन हो जाएगी आपकी स्किन। सेकंड है कि ये है कि डलनेस को रिमूव करेगा और आपकी स्किन आपको रेडियंट एंड ग्लोई लगेगी, ठीक है। थक गई। थर्ड पॉइंट ये है गाइस कि ये आपके पिगमेंटेशन को भी रिमूव करेगा, ओके। तो ये तीन ही बेसिक इसके क्लेम्स है एंड ये तीनों क्लेम्स एंटी एजिंग प्रोडक्ट की तरह वर्क करते हैं। बहुत ही अच्छा वर्क करता है प्रोडक्ट गाइस, अगर आप इसको रेगुलर बेस पे यूज करोगे तो आपकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छे से तो फेड नहीं होगी। देखो ऐसा नहीं है कि पिगमेंटेशन अगर आपके फेस पे बहुत ज्यादा है तो बिल्कुल ही फेड हो जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन काफी हद तक लाइटन होने लग जाती है अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करोगे। तो मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, मेरे स्किन पे थोड़े बहुत स्कार्स हो गए थे ना, एक्ने स्पॉट्स हो गए थे, तो काफी लाइट हुए हैं, पिगमेंटेशन तो इतनी नहीं है, हल्की फुल्की पिगमेंटेड स्किन है मेरी, तो वो भी हल्का हल्का लाइट होने लग जाता है। तो पूरी तरीके से तो लाइट नहीं होगी लेकिन काफी आपका स्किन टोन लाइट लगने लग जाएगा इसको यूज करने के बाद। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि गाइस आप डस्ट किए तो फेयर हो जाओगे, इट जस्ट कि आपका जो ओरिजिनल स्किन कलर है वो आपको मिल जाएगा अगर आप इसको कंटिन्यूअसली यूज करोगे तो, ठीक है। करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो गाइस यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूंगी, लेकिन अगर आप ये सोच के इस प्रोडक्ट को यूज करोगे कि भाई मुझे तो 2 या 3 दिन में इसके रिजल्ट देखने को मिलने चाहिए, तो ऐसा नहीं है गाइस। आपको 2 या 3 दिन में इसके रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं, आपको कम से कम इसको 1-2 महीना यूज करना पड़ेगा। अगर आपकी स्किन को आपको लाइटन अप करना है, डार्क स्पॉट्स को लाइटन अप करना है, तो आपको कॉन्टिन्यूअसली इसको यूज करना है, मिस नहीं करना है 1 या 2 दिन में। अगर आप इसको कॉन्टिन्यूअसली यूज करोगे तो मैं श्योर हूं कि आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये बहुत ही सही मुझे प्रोडक्ट लगा एंड जिस हिसाब से इसका प्राइस है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है, बहुत ही अच्छा एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट की तरह वर्क करेगा ये एंड आपकी स्किन आपको काफी इंप्रूव होते हुए दिखेगी टाइम के साथ। बस एक अच्छा स्किन केयर फॉलो करना है और साथ साथ में बहुत सारा पानी पीना है, पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, उसके साथ साथ आपकी स्किन वैसे ही क्लियर हो जाएगी, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक हेल्दी स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है, इसको हमेशा नाइट में यूज करना है, डे में कभी यूज नहीं करना है। फेस को क्लीन करेंगे, फिर इसको नाइट में यूज करेंगे, सो जाएंगे, नेक्स्ट डे उठेंगे, फेस वॉश करेंगे, अच्छा सा सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे। तो ये रूटीन आपने फॉलो करना है इसको यूज करते वक्त, काफी टाइम तक अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको पक्का से रिजल्ट। सो गाइस आई होप कि रिव्यू आप लोग के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा हो। और क्या प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं, अगर आप इसकी कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं कि मैं और सीरम के साथ इसकी कंपैरिजन वीडियो लाऊं, तो कमेंट कर देना। तो चलिए गाइस मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।